उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की 10 सीटों के लिए 17 फरवरी को मतदान होगा। इससे पहले प्रतापगढ़ स्थित कुंडा के विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता रघुराज प्रताप सिंह के नाम की चर्चा जोरों पर है। राजा भैया की सियासी ताकत को लेकर यूपी की राजनीति फिर गर्म हो गई है। राजा भैया की पार्टी के पास 2 विधायक हैं जिनमें एक वो खुद हैं, लेकिन यूपी के राजनीतिक हालात इस समय ऐसे हैं कि ये 2 विधायक बहुत ज़्यादा अहम हैं। इन सब के बीच आइए आपको बताते हैं कि राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच 6 साल पुरानी सियासत अदावत की कहानी। राजनीति के जानकार साल 2018 का यूपी राज्यसभा चुनाव नहीं भूलते। साल 2017 में अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव बीजेपी से बुरी तरह हार कर सत्ता गंवा चुके थे। साल 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त समाजवादी पार्टी को एक मजबूत गठबंधन की तलाश थी और गठबंधन होने वाला था बीएसपी सुप्रीमो मायावती से, लेकिन इस गठबंधन से यूपी का एक नेता बहुत ज़्यादा नाराज था और वो चेहरा था राजा भैया का, जो बीएसपी चीफ मायावती ही नहीं, जिनकी सरकार में राजा भैया को जेल जाना पड़ा। ऐसे में राजा भैया भला अखिलेश यादव का रिश्ता कैसे स्वीकार कर सकते थे। बता दें कि साल 2018 में राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन को प्रत्याशी बनाया और दूसरी सीट पर बीएसपी प्रत्याशी भीमराव अम्बेडकर के समर्थन का ऐलान किया। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश मायावती के साथ अपनी सियासी रिश्तों को मजबूत करना चाहते थे। इसके लिए अखिलेश ने लखनऊ में पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई जिसमें राजा भैया भी पहुंचे थे। हालांकि जब वोट देने की बारी आई तो राजा भैया ने बीएसपी की जगह बीजेपी प्रत्याशी को वोट दे दिया। राजा भैया ने ऐसे जैसे ही बीजेपी को वोट दिया, अखिलेश यादव से उनकी सियासी दुश्मनी शुरू हो गई। जिस अखिलेश यादव ने राजा भैया को अपनी सरकार में मंत्री बनाया था, उनके खिलाफ ही खुलकर खड़े हो गए। कुंडा से उतारा था प्रत्याशी। इतना ही नहीं, 2022 के विधानसभा चुनाव में समझ बड़े दल भी शामिल हो सकते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि दल भी उनके साथ नजर आएंगे। वहीं अब सपा अध्यक्ष की नज़र मायावती के वोट बैंक पर भी लगी हुई है। यूपी में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जारी हो गई है, जबकि 63 सीटें सपा और इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाले दलों के लिए हैं। इनमें से एक पश्चिमी यूपी की नगीना सीट को सपा आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद को दी जा सकती है। इस बात को लेकर चर्चा है कि सपा यहां चंद्रशेखर आज़ाद को अपना समर्थन देकर उतार सकती है। दरअसल पश्चिमी यूपी में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का दलितों के बीच अच्छा खासा प्रभाव है। चंद्रशेखर आज़ाद भी मायावती के बदले लोकसभा चुनाव में गठबंधन की पेशकश हुई, कुछ सीटों पर चर्चा की गई। ऐसे भी नहीं है कि राजा भैया के पास सिर्फ 2 ही विधायकों की शक्ति है। बीएसपी विधायक उमाशंकर भी उधर चले जाएंगे जिधर राजा भैया कहेंगे। क्या खत्म हो गई है सियासी का बात, ये जानना बेहद ज़रूरी है। यानी जो सियासी अदावत 6 साल पहले राज्यसभा चुनाव के वक्त पैदा हुई थी, वो इस बार के राज्यसभा चुनाव में दोस्ती में बदल जाएगी। 2018 का ही वो राजनीति चुनाव था जब अखिलेश यादव और राजा भैया के रिश्ते बिगड़े थे। दोनों के बीच ऐसी दूरियां बनी थी कि अखिलेश यादव ने राजा भैया के विधानसभा क्षेत्र में जाकर उनके खिलाफ प्रचार भी किया था। हालांकि इससे कुछ हासिल तो नहीं हुआ। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस राज्यसभा चुनाव में आखिर क्या होगा, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में ही राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच जो दुश्मनी, जो एक सियासी जो खटास थी, वो सामने आ रही थी। लेकिन अब फिर से एक बार राज्यसभा चुनाव है, ऐसे में दोनों ही एक साथ नजर आ रहे हैं। ये दोस्ती किस तरह से सामने आएगी वो सब आप देखेंगे R9 पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।